बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर पेरेंट्स एंड स्टूडेंट्स, अस्सलामु अलैकुम। हाउ आर यू ऑल? आई होप यू विल बी फाइन। टुडे वी आर स्टार्टिंग माय नंबर्स बुक प्री 3। नाउ ओपन योर बुक पेज नंबर 13। फर्स्ट वी राइट डाउन डेट हियर। June 24, 2020। तो प्यारे बच्चों, आपने जिस दिन काम शुरू करना है आपने उसी दिन की डेट लगानी है, ठीक। फॉलो द इंस्ट्रक्शन, अगेन रीड इट, फॉलो द इंस्ट्रक्शन। बेटा इसका मतलब है कि इस पेज पर जितनी भी हमें इंस्ट्रक्शन दी गई हैं हमने उनको फॉलो करते हुए इस पेज को कंप्लीट करना है। उससे पहले मैं आपको बताऊंगी कि टिक कैसे लगाते हैं। टिक, क्रॉस एंड सर्कल, मैच, ठीक है। आपने इन चारों की प्रैक्टिस करनी है ताकि आपको ये लगाने आ जाएं। टिक द हॉट वन। बेटा आपको पता है हॉट क्या होता है? हॉट गर्म को कहते हैं। हमारे पास दो चीज़ें हैं, इसमें से हमने हॉट वन पर टिक लगाना है। नाउ वी राइट टिक ऑन बर्गर, बिकॉज बर्गर इज हॉट। क्रॉस द बिग वन, बिग कहते हैं बड़े को, बिग बड़ा। विच वन इज बिग? दिस वन इज बिग। एंड सर्कल द लाइट वन। इन सर्कल का मतलब होता है किसी चीज़ के गिर्द दायरा लगाना। लाइट कहते हैं हल्के को। हमारे पास बैलून है और पॉट है। बैलून हवा में उड़ता है ना, इस मीन के वो लाइट होता है। सो इन सर्कल द बैलून, मैच द सेम थिंग। इसका मतलब होता है एक जैसी चीज़ों को आपस में मिलाएं। सबसे पहले हमारे पास है बी, ट्यूलिप, लेडीबग। अब हमने सेकंड रो में देखना है, बी है बी मैच विद बी, ट्यूलिप मैच विद ट्यूलिप, लेडीबग मैच विद लेडीबग। आपने इस पेज को ध्यान से सोच समझ के इंस्ट्रक्शन को फॉलो करते हुए सॉल्व करना है, ओके। नाउ कम टू द पेज नंबर 14। तो प्यारे बच्चों, इस पेज पर भी आपने सबसे पहले डेट लगानी है एंड देन फॉलो द इंस्ट्रक्शंस। लिंक द एनिमल विद इट्स होम। आपने जानवरों को उनके घरों के साथ मिलाना है। रैट, बी, पैरट, हाइव, ट्री, होल। तो प्यारे बच्चों, रैट कहाँ पर रहता है? रैट होल में रहता है। नाउ मैच इट। बी, बी कहाँ पर रहती है? हाइव में। ये बी का घर है जिसको हाइव कहते हैं। मैच, पैरट, पैरट कहाँ पे रहते हैं? ट्री पे। नाउ मैच इट। कलर द सन। तो प्यारे बच्चों, हमारे पास दो ऑब्जेक्ट्स हैं, क्लाउड और सन। आपने इसमें से सन, सूरज में कलर करना है।
क्रॉस द ब्रिंजल। तो बेटा ब्रिंजल एक सब्जी है जिसको बैंगन कहते हैं, ठीक है? आपने खाया हुआ है? इसका कलर पर्पल होता है। नाउ क्रॉस द ब्रिंजल, आपने पूरे ब्रिंजल को क्रॉस करना है। ड्रॉ अ लीफ विद द फ्लावर, फ्लावर हमारे पास बना हुआ है, हमने इसके साथ लीफ ड्रॉ करना है, ठीक है? तो मैं आपको करके बताती हूँ लीफ हम कैसे ड्रॉ करेंगे। छोटी सी लाइन लगाएंगे टेढ़ी, फर्स्ट राइट डाउन डेट हेयर, पोजिशन, डिस्कस द पोजिशन, डिस्कस द पोजिशन। तो पेरेंट्स आपने ये भी ध्यान रखना है कि आपके बच्चे को कैप्शन पढ़नी आए। राइट लेफ्ट, तो बच्चों पहले मैं आपको राइट लेफ्ट के बारे में बताती हूँ कि राइट क्या होता है और लेफ्ट क्या होता है। राइट और लेफ्ट की बेहतरीन मिसाल मैं आपको बताती हूँ। जिस हाथ से हम खाना खाते हैं वो हमारी राइट हैंड होता है और वो साइड हमारी राइट साइड होती है, और दूसरा हैंड हमारा लेफ्ट हैंड होता है और वो वाली साइड हमारी लेफ्ट साइड होती है। हाउ मैनी बैट्स राइट साइड ऑफ द बॉल, हाउ मैनी बैट्स राइट साइड ऑफ द बॉल, देयर इज अ बैट राइट साइड ऑफ द बॉल, हाउ मैनी बैट्स लेफ्ट साइड ऑफ द बॉल, देयर आर टू बैट्स लेफ्ट साइड ऑफ द बॉल। आपने भी बच्चों से इसी तरह के सवालात करके उनको लेफ्ट और राइट अच्छी तरह से सिखाना है। ऑन अंडर, ऑन का मतलब होता है ऊपर, अंडर का मतलब नीचे। ऑन किसी चीज़ के ऊपर, अंडर किसी चीज़ के नीचे। वेयर इज़ द कैप, द कैप इज़ ऑन द टेबल। वेयर आर शूज़, द शूज़ आर अंडर द टेबल। अप डाउन, आपका मतलब ऊपर, डाउन नीचे। वेयर इज़ द बॉल, द बॉल इज़ डाउन ऑन द फ्लोर। वेयर इज़ द बैलून इज़ अप इन द एयर। टॉप बॉटम, टॉप ऊंचा, बॉटम नीचा। वेयर इज़ द रैट इज़ टॉप ऑफ द वॉल। Where is the cat is at the bottom of the wall. तो डियर पेरेंट्स, जितने कॉन्सेप्ट आज हमने पढ़े हैं आपने मुख्तलिफ ऑब्जेक्ट से बच्चों के ये अच्छी तरह से क्लियर करवाने हैं, और कोशिश करें कि बच्चा पूरा जुमला बोले, ठीक है? नाउ कम टू द नेक्स्ट पेज, लेट्स स्टार्ट, डिस्कस द पोजिशन। इस पेज पर भी हम पोजीशन डिस्कस करेंगे। अबव बिलो, अबव का मतलब होता है किसी चीज़ से ऊपर, बुलंद। बिलो, बिलो का मतलब होता है किसी चीज़ से नीचे। वेयर इज़ द एरोप्लेन, द एरोप्लेन इज़ अबव द क्लाउड। प्लेन जो है वो बादलों से ऊंचा उड़ता है, सो द एरोप्लेन इज़ अबव द क्लाउड। वेयर इज़ द बर्ड, द बर्ड इज़ बिलो द क्लाउड। परिंदे जो हैं वो बादलों से नीचे उड़ते हैं, सो द बर्ड इज़ बिलो द क्लाउड। इन फ्रंट ऑफ, इन फ्रंट ऑफ का मतलब होता है किसी चीज़ के बिल्कुल सामने। एट द बैक ऑफ, किसी चीज़ के पीछे। वेयर इज़ द कैट, द कैट इज़ इन फ्रंट ऑफ द ट्री। बिल्ली दरख्त के आगे है। Where is the van is at the back of the tree. गाड़ी दरख्त के पीछे है। In, out, in का मतलब होता है किसी चीज़ के अंदर, out का मतलब होता है बाहर। Where is the cat sleeping? The cat is sleeping in the van. Where is the cat sitting?
द कैट इज सिटिंग आउट ऑफ द वैन. राइट लेफ्ट, वेयर इज द जैम. द जैम इज इन द लेफ्ट हैंड ऑफ द मैन. वेयर इज द बास्केट. द बास्केट इज इन द राइट हैंड ऑफ द मैन. नाउ कम टू द नेक्स्ट पेज. बिलोंग्स टू. बिलोंग्स टू, बिलोंग्स टू का मतलब होता है प्यारे बच्चों किसी चीज़ का किसी दूसरी चीज़ के साथ ताल्लुक होना. ठीक है, लुक एट द फर्स्ट पिक्चर. इट इज़ अ पिक्चर ऑफ अ पार्क. इट इज़ अ फार्म हाउस. इट इज़ अ स्कूल. इट इज़ अ सर्कस. इट इज़ अ होय. आपको पता है होय क्या होता है? नहीं पता, चले मैं आपको बताती हूँ. होय बेलचे को कहते हैं जिससे माली फार्म हाउस में गिरे हुए सूखे पत्ते इकट्ठे करता है. स्लाइड, आप लोग पार्क जाते हैं ना. स्लाइड पार्क में होती है और बच्चे स्लाइड लेते हैं खुशी खुशी. एलिफेंट, देखिए बच्चों ये कितना प्यारा एलिफेंट डेकोरेट किया हुआ है. ये सर्कस का एलिफेंट है. बुक, बुक का तो आपको पता है ना, किताब हम पढ़ते हैं. होय बिलोंग्स टू फार्म हाउस. नाउ मैच. स्लाइड बिलोंग्स टू पार्क. एलिफेंट बिलोंग्स टू सर्कस. बुक बिलोंग्स टू टीचर. नाउ कम टू द नेक्स्ट पेज. लिंक द वेदर कंडीशन. यहाँ पर बच्चों हमने वेदर को लिंक करना है कि आज कौन सा मौसम है. हाउ इज वेदर टुडे. टुडे इज रेनी डे. नाउ मैच टुडे विद रेन. हाउ वॉज द वेदर यस्टरडे. इट वॉज सनी. नाउ मैच. टुडे आवर लेसन इज फिनिश हियर. स्टे होम, स्टे हैप्पी. अल्लाह हाफिज़.